नहीं बात है कि हम लोग किसी को नहीं, नमन तो हम हमेशा ही करते हैं, हर को करते हैं। जयंती नहीं मनाने की बात आप ना करें। देखिए कुछ कानूनी प्रक्रिया भी है जो बहुत लोगों पे चल रही है, और जब ऐसी स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं पार्टी जो होता है वो सार्वजनिक तौर पे ना सही लेकिन मनाती जरूर है। और आपने जिन महापुरुषों का नाम लिया, मैं महापुरुष इसलिए कह रही हूँ कि एक राजनीतिक साजिश भी होती है जो के तहत लोगों को फंसाया जाता है, लेकिन उन्होंने जो पार्टी के लिए या अपने समाज के लिए जो काम किया, आप उनके क्षेत्रों में जाके पूछ लीजिए ना, जनता आपको जवाब देगी। राष्ट्रीय जनता दल बीपी मंडल को याद कर रहा है। कहा जाता है कि बीपी मंडल ने जो मंडल की राजनीति की उससे समाजवाद को बहुत ज़्यादा फायदा मिला। पार्टी कार्यालय में देखिए पार्टी के सभी नेता जो हैं वो खड़े हैं और बीपी मंडल को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उसमें कई सारे मुसलमान नेता भी आपको नज़र आ रहे होंगे, आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद हैं, युवा नेता बिलाल खान हैं और कई ऐसे नेता इस लाइन में खड़े हैं बीपी मंडल के तस्वीर पर माल्यार्पण करने के लिए। लेकिन आरजेडी जो है मुसलमान नेताओं को याद नहीं करती मरने के बाद, जिंदा में कितना याद करती है वो तो वही नेता बताएंगे। लेकिन तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि जो भी किसी बड़े नेता या महापुरुष की जयंती होती है तो उसमें आरजेडी ने अब मुसलमान नेताओं को किनारा कर दिया है, यानी उनकी तस्वीर आरजेडी कार्यालय में नहीं रखी जाती और वहाँ पर कोई माल्यार्पण नहीं करता। अब्दुल गफूर साहब जो पूर्व मंत्री थे, दिवंगत हो गए, लालू यादव के बहुत करीबी नेता थे। पिछली सरकार जब गठबंधन की बनी तो उसमें वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे, नहायत ही शरीफ व्यक्ति थे, समाजवाद का पाठ हमेशा उन्होंने पढ़ा, लोगों को बताया और उसके बाद आरजेडी में हमेशा रहे। अब्दुल गफूर को कभी इन लोगों ने याद नहीं किया। अब अब्दुल गफूर के गफूर में अब्दुल मिलने की वैसे दिक्कत है या जो मौजूदा राजनीति है उससे शायद परेशानी है कि अब्दुल गफूर को क्या याद करना, उनकी कम्युनिटी के लोग तो भर भर के वोट देते ही हैं, उनके महापुरुष उनके नेताओं को श्रद्धांजलि देने से उस कौम को क्या मिलेगा जो सोई हुई है, उसको जागने से क्या होगा। आडवाणी के रथ को लेकर के लालू यादव ने जो आंदोलन शुरू किया उसके बाद मुसलमान लालू यादव का फैन हो गया और मुसलमान भर भर के वोट दे रहा है। हालांकि सीमांचल के इलाके में असदुद्दीन ओवैसी जगाने ज़रूर आए थे कि अपना अधिकार लो ऐ जागी हुई कौम, अब तो उठ जाओ, इसलिए कि सियासत में जब तक बोलोगे नहीं हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। लालू प्रसाद यादव इन दिनों राजनीति में बहुत सक्रिय नहीं है, लेकिन उनके जो पुत्र हैं तेजस्वी यादव वो राजनीति की बहुत सारी पाठशालाएं पढ़ चुके हैं और मौजूदा समय में डिप्टी सीएम हैं। नीतीश कुमार के साथ कैबिनेट में फैसला करते हैं, मुसलमानों को लेकर कोई योजनाएं चलाते हैं, योजनाएं कितनी धरातल पर है ये तो सब लोग जानते हैं कि जो लोन की योजना चलती थी मुख्यमंत्री देते थे वो इस सरकार के आने के बाद बंद हो गई। 5 लाख रुपया गरीब मुसलमानों को मिलता था वो बंद हो गया। मुसलमान उर्दू टीटी की बहाली को लेकर के कूद रहा था वो भी खत्म हो गया। मुसलमान उर्दू अनुवादक की बहाली को लेकर के खुश था वो भी खत्म हो गया। तो इस सरकार में मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर है, जबकि बीजेपी की सरकार में मुसलमानों का वो सारा काम हुआ जो आज अधर में लटका हुआ है, कुछ हुआ वो बीजेपी के कार्यकाल में हुआ। शहाबुद्दीन से तो खैर बैर ही हो गया आरजेडी के लोगों को। शहाबुद्दीन बड़े नेता थे, आरजेडी के संस्थापक सदस्यों में थे। लालू यादव ने अभी पिछले दिनों जब 27वां वर्षगांठ मनाया पार्टी का तो शहाबुद्दीन का नाम लिया और उसके बाद हंगामा यही हो गया कि शहाबुद्दीन को सिर्फ नाम लेते उनके घर क्यों नहीं जाते हैं। लेकिन आज की जो तस्वीर है बीपी मंडल पर माल्यार्पण किया जा रहा है और इसलिए हम आपको याद दिला रहे हैं कि जो बीजेपी के नेता हैं वो ये कहते हैं कि आरजेडी को मुसलमान का जो लोग है 90% नहीं 95% वोट करता है, वोट मिलता भी है। जो जिंदा नेता हैं वो लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जो तस्वीर मुर्दे नेताओं की है उसमें मुसलमान नेताओं का कोई नामो निशान नहीं है। शहाबुद्दीन की तस्वीर कभी नहीं लगाई जाती, श्रद्धांजलि उन्हें कभी नहीं दी जाती। बैनर पोस्टर से तो खैर वो उनका और उनका परिवार गायब ही हो गया। राजनीति में लालू प्रसाद यादव भी उनका नाम नहीं लेते और अब्दुल गफूर साहब जो इनकी पार्टी के समर्पित नेता कार्यकर्ता पूर्व मंत्री थे कभी हमने नहीं देखा कि यहाँ पर उनकी तस्वीर लगाई गई हो, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई हो, आरजेडी का मुसलमान नेता ये दुआ करता नजर आया हो कि अल्लाह इनको जन्नत दे, और उनका जो हिंदू नेता है वो ये कहता है वो कि अब्दुल गफूर साहब स्वर्गीय हैं, समाज के लिए बहुत कुछ किया। मरने के बाद जो नेता जिस पार्टी में भुला दिया जाता हो, जिंदा रहने वाले नेता की क्या वैल्यू होगी ये आप जानते ही होंगे। कोई भी नेता एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। मंडल बहुत बड़े थे लेकिन इससे भी बड़े अब्दुल गफूर थे जो बिहार के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने गोपालगंज सिवान को अपनी एक पहचान दी, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में वो सीट है। अब्दुल गफूर को लालू प्रसाद यादव चाचा कहते थे, वो सिर्फ राजनीति के चाचा थे। कभी उनकी तस्वीर पर भी माल्यार्पण अगर आरजेडी कर देती तो शायद उनकी आत्मा को शांति मिलती, सियासत में एक नई तस्वीर आती। लेकिन अब मुसलमान नेताओं को आरजेडी कार्यालय में श्रद्धांजलि
नहीं दी जाती है। आखिर क्या वजह है? हो सकता है कि नरेंद्र मोदी का जो हिंदू वोट बैंक है वो कहीं ये तस्वीर मुसलमानों की देख करके नाराज ना हो जाए, मुसलमान सिर्फ वोट देगा, सेकुलरिज्म बचाएगा, लालू यादव को नेता मानेगा, तेजस्वी उसका मुसलमान युवा भाई नेता मानेगा, लेकिन उसके किसी नेता की यहाँ पर तस्वीर में माल्यार्पण नहीं होगी। इसलिए कि ऐसे ही है कि लालू प्रसाद यादव हमेशा कहते थे कि पोतहू मीठ और भतरवो मीठ, यानी कि बेटा बहू सब मीठा लगता है, किसका कसम खाया जाए। तो इन दिनों लालू प्रसाद यादव की जो राजनीति है वो मुसलमान नेताओं की श्रद्धांजलि से अलग थलग है। हालांकि लालू यादव जरूर बोलते हैं कि कौन है जो मुसलमान की तरफ आंख उठा करके देख लेगा। तेजस्वी यादव भी कभी कभार विधानसभा से लेकर के बीजेपी के सामने जब खड़े होते हैं तो वो बोलते हैं कि मुसलमान भाई के वोट देने का जो अधिकार है कोई नहीं छीन सकता। लेकिन आरजेडी जो कभी मुसलमान नेताओं को इज्जत देती थी जिंदा रहते हुए, मरने के बाद भुला दिया गया, कब्र में उनकी हड्डी सड़ गई, कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। और पार्टी के नेता जो दूसरे नेता हैं आरजेडी में जो मर गए, आज से 100 साल पहले भी उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। जो नेता उनका आज से 10 साल पहले मरा उनको याद भी नहीं किया जाता है, कफन में लपेट के कब्रिस्तान में डाल दिया गया। आरजेडी के नेताओं ने कभी उन मुसलमान नेताओं को याद नहीं किया। मुसलमान की राजनीति की स्थिति जिंदा रहते भी वही है और मर जाने के बाद भी वही है। न तो आरजेडी अब्दुल गफूर को याद करती, न शहाबुद्दीन को याद करती है। वो वक्त ख़त्म हो गया। मुसलमान लालू यादव को नेता मान चुका है, अब उसको कोई दूसरा नेता आसमान से उतरेगा नहीं। इसलिए मुसलमान नेता जिंदा हो या मुर्दा हो उसे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुसलमान लोकतंत्र बचाए, जमहूरियत बचाए, भाजपा को हराए, आरएसएस को गाली दे, बाकी सब ठीक है। न नौकरी मिलेगी, न एजुकेशन मिलेगा, न श्रद्धांजलि मिलेगी, न आपके नेताओं की तस्वीर पर माल्यार्पण होगा। सोए हुए हैं, सोए रही है। बोलिए प्रश्न। बीपी मंडल को लेकर के आपकी जो पार्टी वो हमेशा से लोगों को सजग बनाती रही है कि बीपी मंडल में संघर्ष रहा है, वो राजनीति में एक तरह की खूबसूरत धारा है, उसे मानना चाहिए। देखिए बीपी मंडल जी के जो उन्होंने समाज को दिया उसे हम भूल नहीं सकते। मंडल आयोग का गठन हम सब जानते हैं कि उनकी अध्यक्षता में हुआ और बहुत कम समय में उन्होंने पिछड़ा आयोग का जो रिपोर्ट है उन्होंने सौंपी थी। ये भी एक बहुत बड़ा उपलब्धि है जो बीपी मंडल जी के द्वारा समाज को दिया गया है। तो मुझे लगता है कि तमाम हमारे देश में बहुत महापुरुष आए और इन महापुरुषों से हमें सीखने की जरूरत है। खास करके आज जो बदलती युग की राजनीति लोग कर रहे हैं और हमारे जो एक यूथ लोग हैं उन्हें भी बहुत सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज की जो वर्तमान सत्ता में, खास करके केंद्र में सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो देश को दिशा विहीन कर रहे हैं। तो आज अगर हम इन महापुरुषों को याद करते हैं तो याद करने के साथ साथ उनके समाज के लिए किए गए कार्यों को भी याद करते हैं ताकि वो हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहे। एक सवाल ये हो रहा है कि आपकी पार्टी में कई ऐसे नेता थे जो समाजवाद से जुड़े थे, जिसमें से एक पूर्व मंत्री अब्दुल गफूर भी थे और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन भी थे, तो उन लोगों की जयंती आप लोग क्यों नहीं मनाते? क्या परहेज करते हैं, क्या वजह है न मनाने की? देखिए ऐसे नहीं बात है कि हम लोग किसी को नहीं, नमन तो हम हमेशा ही करते हैं, हर को करते हैं। जयंती नहीं मनाने की बात आप ना करें। देखिए कुछ कानूनी प्रक्रिया भी है जो बहुत लोगों पे चल रही है और जब ऐसी स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं पार्टी जो होता है वो सार्वजनिक तौर पे ना सही लेकिन मनाती जरूर है। और आपने जिन महापुरुषों का नाम लिया, मैं महापुरुष इसलिए कह रही हूँ कि एक राजनीतिक साजिश भी होती है जो के तहत लोगों को फंसाया जाता है, लेकिन उन्होंने जो पार्टी के लिए या अपने समाज के लिए जो काम किया, आप उनके क्षेत्रों में जाके पूछ लीजिए ना, जनता आपको जवाब देगी कि उनके लिए वो लोग क्या महत्व रखते हैं। और देखिए हर एक इंडिविजुअल की जो होती है ना एक अपनी एक शख्सियत होती है और मुझे लगता है कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने समाज के लिए बहुत कार्य किया है और यही कारण है कि उनको लोग आज भी नमन करते हैं, याद करते हैं। और ऐसा बात नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल जो है हर धर्म, हर जात, हर बिरादर, हर लोगों की जो है कहते हैं मान और सम्मान का ध्यान रखता है।